अग्नि की तपन में जलकर एक दिन होना खाक, मिट्टी में मिल जाएगा शरीर और हो जाएगी राख। पार्थिव शरीर को अग्नि देकर करते अंतिम संस्कार, जीवन भर की यादें जुड़ी जिनसे मिला हमें प्यार। नमस्कार, मैं नरेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहारी लाल से। मित्रों, मुजफ्फरपुर के मुक्तिधाम में एक मशीन लगाई गई है जिसका हम एक ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखला रहे हैं। इसका अशोक जी आप ही बताइए कि इसका पद्धति क्या है और कैसे इसमें और कितने लकड़ी लगता है। जैसे पुराने पद्धति में आपको 9 मन 11 मन 13 मन लकड़ी लगता है, जिसे ओपन जगह पर, जो कि आपको जो है 2.5 घंटा समय लगता है दाह संस्कार होने में। और ये फर्निश मशीन है जो कि मतलब कि 3 से लेकर 4 मन के लकड़ी में दाह संस्कार बहुत सुंदर रूप से हो जाता है। और इसमें समय कितना लगता है? इसमें समय जो है आपको 1.25 घंटा से लेकर 1.5 घंटा के बीच में दाह संस्कार हो जाता है। और इसमें लकड़ी पर जो है लोगों को कितना खर्च देना पड़ता है? ओपन में आपको 5500 लगता है और इसमें 3000 रुपया में टोटल आपका काम हो जाता है। चलिए, एक समस्या यहाँ और देखने मिलता है कि यहाँ जो डोम होते हैं वो अग्नि देने में वो ज़्यादा गड़बड़ी करते हैं। उसके ऐसा है कि मतलब उस सरकार के तरफ से, नगर निगम मुजफ्फरपुर के तरफ से 2500 रुपये फिक्स किया गया है, लेकिन एक वो एक विधि होती है, शुरू से परंपरा आया है कि जब भी हम मुख हिंदू धर्म में मुख अग्नि अपने परिजन को जब देते हैं तो वो डोम के ही अग्नि प्रज्वलित से ही हम लोग देते हैं। उसमें स्वच्छा से लोग देते हैं, वो लोग डोम लोग रख लेते हैं। पहले जो जबरदस्ती हुआ करता, पहले जबरदस्ती होता था, लेकिन अब वो नहीं होता है। श्रद्धा ऊपर जो भी पंडित जी को हो या डोम को हो उसको लोग देता है। और इस पद्धति में एक और क्या है कि प्रदूषण मुक्त है, प्रदूषण मुक्त है। और इसकी जो भी ऊपर में जो भी इसका धुआं जाता है वो फिल्टर होके ही जाता है। अच्छा, डेड बॉडी तो इसी में रखा जाता है? डेड बॉडी इसमें रखा जाता है और इसमें जो है नीचे से कपूर का प्रज्वलित होती है और 5 फेरे इसमें, 5 फेरा और 3 फेरे लगाए जाते हैं। और जब हो जाता है तो मुख अग्नि दे के प्रज्वलित करके उसको डाल दिया जाता है अंदर में, अंदर से जाके उसको कवर को बंद कर दिया जाता है। फिर इसमें कुछ और करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं पड़ता है। बस अस्थि के लिए नंबर डाल दिया जाता है और वो तिराती के दिन अपना आके अस्थि अपने परिजन का ले सकते हैं जिसके लिए वो बना हुआ है, वो सब साइड से बना हुआ है। ये जो फर्निश मशीन जो लगा हुआ है ये इसका मतलब पूरी खर्च जो है डॉक्टर अरुण शाह अपने माता पिता श्रीमती मुन्नी देवी एवं हरी राम शाह के स्वजन से कराया गया है। खाट यहाँ पे अस्थि रखा जाता है और किसी से आता है? हाँ, ये नीचे रखा जाता है, उसमें नंबर प्लेट लोहा का है ना, वो लोहा का किसी अस्थि है तो वो लोहा का यहाँ अस्थि रखा हुआ है। यहाँ भी मतलब इसका मतलब ये एक दो रोज पहले, ये आज का है, आज का आज और कल का है। तो मित्रों, इसमें जो है जो राख जो होता है, जो अस्थि होता है, इसमें जमा होता है और जो उनके परिजन है उस राख को उसे निकालते हैं और इसी जो देखते हैं मिट्टी का जो बर्तन देख रहे हैं इसी में रखा जाता है। वो अपने श्रद्धा भक्ति से गंगा जी में इसका विसर्जन करते हैं। ये एक पद्धति है हिंदुओं में।